वाओ। तो गाइस यहाँ वो हो रहा है सीजी टूरिस्ट गाइड, यहाँ बॉनफायर हुआ जा रहा है, बैठे हैं सब लोग। शॉट आ गया, वाह देखो इसको हम लोग ट्राइबल कैंपिंग पॉइंट बोलते हैं। एक्चुअली जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट चालू कर रहे थे कैंपिंग ट्रैकिंग, इससे पहले हम लोग ये फॉरेस्ट बहुत फील करते थे, सबके सब मेरे भाई जितने लोग हैं सारा जंगल घूमते थे और एडवेंचर करते थे, तो हम लोग को लगा कि हाँ ये जो हम लोग फील करते हैं ये हम लोग दूसरों को भी फील कराएं। इसकी वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट चालू किया और यहाँ के लोकल लोगों को टारगेट किया कि इस तरह से कैंपिंग करनी है, यहाँ पे ट्रैकिंग करनी है, और उसी तरीके से हमने ये पॉइंट सजेस्ट किया। इसके लिए हमने सर से परमिशन लिया कि इतना बढ़िया लोकेशन है, सारी चीज़ें हैं। आगे यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हम इस जगह को प्रमोट करना चाह रहे हैं। जो बाकी जो कैंपिंग्स होती हैं छत्तीसगढ़ में, जितने भी कैंपिंग्स होती हैं वो होती है हल्ला शोरगुल, जो लोग आते हैं दूर से आते हैं, खाते हैं पीते हैं जो करते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो उस जगह की सच्चाई है, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग बात नहीं करेंगे कुछ देर भी बात नहीं करेंगे इस जंगल को जो फील करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को डर लग जाए यहाँ पर, अगर कोई वहाँ बैठे थोड़ा देर के लिए वो मुश्किल से 15-20 मिनट नहीं बैठ पाएंगे अकेले। तो यहाँ का जो फील है ना, हम लोगों ने कैंपिंग का जो ट्रेडिशन बना दिया उसमें हमने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। तो ट्राइब वेल अभी बिगनिंग कर रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से हम लोग इतना मार झेल चुके हैं, इतना लॉसेस झेल चुके हैं कि अभी तक हमने इस पर कोई अर्निंग नहीं की है। तो अभी यहाँ से हम राइज कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आइए अपना सारा कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो भी आपका लगेज है, बैग है, कैंपिंग टेंटिंग, ये आप सारी चीज़ें आप खुद लाइए, अदरवाइज़ नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर आप जंगल को एक्चुअली फील करेंगे, यहाँ ये नहीं होगा बिल्कुल भी, इस वीडियो में मैं क्लियर बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा 20-25 लोग जैसे अभी बैठे हुए हैं ये ट्राइबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है 10-15 लोग, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, और उनको फील करा सकें कि ये फॉरेस्ट होता क्या है। जैसे ही ज़्यादा लोग होते हैं ये सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में रहेंगे तो इतना बढ़िया फॉरेस्ट को फील करेंगे ना जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते, और बोलेंगे कि मैं बार बार आना चाहता हूँ। तो यही है ट्राइबल यहाँ पे। साथ ही उस एरिया के जो लोकल पर्सन हैं वो आपको कुछ अनसीन जगह ले जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस हैं वहाँ ले जाते हैं, और सारा रेगुलर फॉरेस्ट का एरिया है और विथ परमिशन है सर का, वहाँ तक आप जाते हैं और पीसफुली जाते हैं, ऐसा नहीं कि शोर शाह हो रहा है, हल्ला हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें बारीकियाँ सारी चीज़ें फील करते हुए जाते हैं उस रास्ते पर ट्रैक करते हुए। इसी सेगमेंट में जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होते गया तो हमने और भी रिजॉर्ट टारगेट किए कि इतनी सारी बुकिंग्स हम दे नहीं पाते, तो हमने उसे टारगेट किया। और आप सब लोगों के जिगर को दाद देता हूँ कि एकदम ब्लाइंड फेथ पे चले आए जो वन साइडेड बताया गया था उसको मान के, तो मतलब एक ट्रस्ट वैल्यू जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस प्रोग्राम का जो हुकुम ने हमको बताया वो प्रोग्राम ये है कि उसको यहाँ पर एक टूरिज़्म करना है, वो टूरिज़्म जो है सस्टेनेबल टूरिज़्म है। आप में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को जानते होंगे, नहीं तो आप बहुत आसानी से गूगल कर लेना। सस्टेनेबल का मतलब सीधा सीधा सिंपल ये है कि आप टूरिज़्म करोगे तो मतलब लोग आएंगे, कोई भी जगह पूरी इंडिया में हो सकती है, लेकिन आपको अपने उस टूरिज़्म से इनकम से मैक्सिमम परसेंट यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। मतलब आपका टूरिज़्म, आपकी कैंप साइट, आपकी गाड़ी, आपका होटल, आपका रिसॉर्ट, कुछ भी चीज़ें अगर वो आप तक ही सीमित है या लिमिटेड है तो वो सस्टेनेबल नहीं कहलाता। तो इस कंसेप्ट को लेकर इन्होंने कैंप साइट पे ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन आगे जाके क्योंकि बुकिंग्स अच्छी आएंगी, लोगों का फ्लो आएगा और हर आदमी कैंप साइट पे इंटरेस्ट नहीं रखता, तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लॉजेज हैं जिसको आप आने वाले 2 दिन में और एक्सपीरियंस करोगे अलग अलग जगह, उसको भी हम एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म में हम यूज़ करेंगे। वहाँ भी जो इनकम होगी वो भी लोकल लोग के साथ वो शेयर होगी। पर वाइल्ड लाइफ में इस टूरिज़्म को हम इको टूरिज़्म बोलते हैं,
जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी लोकल रहता है ज़्यादातर, और इनकम भी लोकल लोग के पास जाती है। आप सस्टेनेबल कहीं भी कर सकते हो, उसके लिए आपको 12-12 करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप यहाँ बैठे हो उसको आप लद्दाख में भी कर सकते हो, गोवा में भी कर सकते हो, और आप रायपुर शहर में भी कर सकते हो सस्टेनेबल। बट रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म करना मतलब आपने एक क्राइटेरिया सेट किया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है, जो वर्ल्ड में चल रहा है। गाइस एंड भाईस, तो लग चुका है डिनर, लगा नहीं है मतलब अटेंड हो रहा है, और यहाँ व्यवस्था लग रहा है ना, यहाँ व्यवस्था करेंगे डिनर, और इसको बोलते हैं फैमिली विद डिनर, यहाँ लगेगा। और व्यू में आपको मिलेगा जंगल, वो दिखा नहीं सकते क्योंकि रात हो चुका है। ये देखें, अब दिख रहा है गाइस, ये और सब लोग आ चुके हैं। तो हम परेशान हो चुके हैं भैया, भूख लग रहा है? नहीं लग रहा है, तब दिखाएंगे, तब दिखाएंगे। तो चले गए, पहले टोपी पहन लेते हैं, चले गए फिर चलते हैं खाना खाने, फिर आपसे मिलते हैं। आगे 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 आगे, मैं ना भूल जाता हूँ, गजनी बन जाता हूँ पता है, और सोने के बाद शाम बन जाता है। तो फिर चलते हैं, अब किसी कारण से आ चुका है अपना डिनर। मिर्चा खावे? मिर्चा गाइस, मिर्चा खाओगे? मैं दो को खा गया, दो एक दो। चलिए गाइस फिर खाते हैं और मिलते हैं आपको बेडरूम में।